आईपीएल 2021 का 23वां मुकाबला दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए। सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों में शुरुआत अच्छी रही। डेविड वार्नर शानदार बल्लेबाजी करके अपना अर्धशतक पूरा करके 55 गेंदों में 57 रन बनाकर लुंगी नकदी की गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा को कैच देकर आउट हुए। लेकिन जॉनी बेरिस्टो केवल 7 रन बनाकर सैम करन की गेंदबाजी में दीपक चाहर को कैच देकर आउट हुए। तीसरे स्थान पर उतरे मनीष पांडे शानदार बल्लेबाजी करके वे भी अपना अर्धशतक पूरा करके 46 गेंदों में 61 रन बनाकर लुंगी नकदी की गेंदबाजी में फाफ डुप्लेसिस को कैच देकर आउट हुए। चौथे स्थान पर उतरे केन विलियमसन आक्रामक खेल खेले। वे अपने पारी में 4 चौका और 1 छक्का लगाए और वे 10 गेंदों में 26 रन बनाकर नाबाद रहे। और केदार जाधव भी अच्छी बल्लेबाजी करके केन विलियमसन के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे 4 गेंदों में 12 रन बनाकर नाबाद रहे। इसी के साथ SRS 3 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी दीपक चाहर द्वारा शुरू किया गया। दीपक चाहर 3 ओवर में 7 इकोनॉमी रेट के साथ 21 रन दिए। वहीं सैम करन अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 7.50 इकोनॉमी रेट के साथ 30 रन देकर 1 विकेट चटकाए और उन्होंने जॉनी बेरिस्टो का विकेट लिया। शार्दुल ठाकुर इस मैच में कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे अपने 4 ओवर में 11 इकोनॉमी रेट के साथ 44 रन दिए और बहुत एक्सपेंसिव रहे। मोइन अली 2 ओवर में 8 इकोनॉमी रेट के साथ 16 रन दिए और लुंगी नकदी शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा अपना प्रभाव दिखाने में असफल रहे। वे अपने 3 ओवर में 7.87 इकोनॉमी रेट के साथ 23 रन दिए। पहला विकेट 22 रनों पर गिरने के बाद उतरे मनीष पांडे भी शुरुआत से धीमी गति से खेल रहे थे और वे अपना तीसरा आईपीएल अर्धशतक को केवल 35 गेंदों पर पूरा किए। वे डेविड वार्नर के साथ मिलकर 106 रनों की साझेदारी निभाकर अपने टीम स्कोर को एक मजबूत स्थिति पर पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाए। वे 18वां ओवर की 5वीं गेंद पर नकदी की गेंदबाजी में फाफ डुप्लेसिस को कैच देकर आउट हुए और वे 46 गेंदों में 132.61 स्ट्राइक रेट के साथ 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 61 रन बनाए। डेविड वार्नर शानदार बल्लेबाजी करके शुरुआत में धीमी गति से खेल रहे थे और थोड़े चिड़चिड़े हो रहे थे क्योंकि वे गेंद को टाइमिंग के साथ मार नहीं पा रहे थे। वे जडेजा की ओवर में भारी छक्का लगा के अपना 50वां आईपीएल अर्धशतक पूरा किए और वे 18वां ओवर की पहली गेंद पर नकदी की गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा को कैच देकर आउट हुए। वे अपने पारी में 55 गेंदों पर 103.64 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 57 रन बनाए। मनीष पांडे का विकेट गिरने के बाद उतरे केन विलियमसन आक्रामक खेल खेलकर 10 गेंदों में 260 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 26 रन बनाकर अजय रहे। उस समय पर SRH के लिए इस तरह का खेल बहुत आवश्यकता था स्कोरबोर्ड आगे ले जाने के लिए और यह इनिंग्स में विलियमसन का ही स्ट्राइक रेट सबसे अधिक रहा। लुंगी नेगदी शुरुआत से ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन उनके पारी के आखिरी ओवर में वे दोनों सेटल बल्लेबाज डेविड वार्नर और मनीष पांडे का विकेट लेकर चेन्नई सुपर किंग्स को इस गेम में वापस लाने का रास्ता खोल के रखे। वे अपने 4 ओवर में 8.75 इकोनॉमी रेट के साथ 2 मुख्य विकेट लेकर 35 रन दिए। 172 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर्स द्वारा शानदार शुरुआत रहा। ऋतुराज गायकवाड़ शानदार पारी खेल के अपना अर्धशतक पूरा करे और वे 44 गेंदों में 75 रन बनाकर रशीद खान की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए और फाफ डुप्लेसिस शुरुआत से ही जबरदस्त बल्लेबाजी करके ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अच्छी साझेदारी निभाकर अपना अर्धशतक पूरा किए।
वे 38 गेंदों में 56 रन बनाकर रशीद खान की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए। तीसरे स्थान पर उतरे मोइन अली अच्छी बल्लेबाजी करके 8 गेंदों में 187.50 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके की मदद से 15 रन बनाकर रशीद खान की गेंदबाजी में केदार जाधव को कैच देकर आउट हुए। चौथे स्थान पर उतरे रविंद्र जडेजा अंत तक 6 गेंदों में 116.67 स्ट्राइक रेट के साथ 1 चौके की मदद से 7 रन बनाए और सुरेश रैना अच्छी बल्लेबाजी करके 15 गेंदों में 113.33 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके की मदद से 17 रन बनाकर नाबाद रहे। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स 7 विकेट से जीत हासिल किए और यह उनका लगातार 5वीं जीत। फिर एक बार अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स पहले स्थान पर पहुंच गए। टॉस जीता हैदराबाद ने और मैच जीता चेन्नई ने। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजी में संदीप शर्मा द्वारा शुरू किया गया। संदीप शर्मा अपने 3.3 ओवर में 6.86 इकोनॉमी रेट के साथ 24 रन दिए। खलील अहमद अपने 4 ओवर में 9 इकोनॉमी रेट के साथ 36 रन दिए। सिद्धार्थ कौल अपने 4 ओवर में 8 इकोनॉमी रेट के साथ 32 रन दिए। जगदीशा सुचित 3 ओवर में 15 इकोनॉमी रेट के साथ 45 रन देकर बहुत एक्सपेंसिव रहे और रशीद खान अपने 4 ओवर में 9 इकोनॉमी रेट के साथ 3 विकेट चटकाए। ऋतुराज गायकवाड़ शुरुआत से ही थोड़ी धीमी गति से खेल रहे थे और वे शानदार खेल खेलकर IPL करियर में अपना 5वां अर्धशतक पूरा किए। वे इनिंग्स के 13 ओवर में रशीद खान की पहली गेंद पर कीपर बैरिस्टो को कैच देकर आउट होने से बच गए थे, लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। वे अपने इनिंग्स में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 170.45 स्ट्राइक रेट के साथ 44 गेंदों में 75 रन बनाए। फाह डुप्लेसी शुरुआत से ही आक्रामक खेल खेलकर शानदार बल्लेबाजी करके अपने IPL करियर में एक और अर्धशतक पूरा किए और वे ऋतुराज गायकवाड़ के पहले विकेट के लिए 129 रनों की साझेदारी बनाए और वे 38 गेंदों में 147.37 स्ट्राइक रेट के साथ 56 रन बनाए और उनके इनिंग्स में 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। वे रशीद खान के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर LBW के रूप में आउट हुए। रशीद खान अपने 4 ओवर में 9 इकोनॉमी रेट के साथ 3 विकेट चटकाकर 36 रन दिए। उनके शिकार बने ऋतुराज गायकवाड़, फाह डुप्लेसी और मोइन अली। वे इनिंग्स के 13 ओवर में गायकवाड़ और 15 ओवर में मोइन अली और फाह डुप्लेसी को आउट करके इस मैच को रोमांचक बना दिए। गायकवाड़ के विकेट गिरने तक ऐसा लग रहा था कि CSK इस मैच को बहुत आसानी से जीत जाएंगे।